अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और फिल्मी खबर के साथ हाजिर हूं मैं राहुल तिवारी। निर्देशक उमंग कुमार की फिल्म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जब से इस फिल्म की शुरुआत हुई है तभी से लगातार अलग अलग तरह के विवादों में है। अब फिल्म को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है, जहां एक और राजनीतिक दल इस फिल्म पर आरोप लगा रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फिल्म जगत के भी कुछ नाम हैं जो इस फिल्म के खिलाफ हो गए हैं। खिलाफ कैसे हुए? खिलाफ इसलिए क्योंकि इस फिल्म में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी क्रेडिट लाइन में उनका नाम दे दिया गया। पहला नाम है गीतकार जावेद अख्तर का। जी हाँ, देश के जाने माने गीतकार हैं जावेद अख्तर और कई सारी फिल्मों में उन्होंने नगमे लिखे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में जब गीतकारों की लिस्ट में, गीतकारों की फहरिस्त में जावेद अख्तर का नाम आया तो वे चौंक गए। उन्होंने इस फिल्म के लास्ट में जो पोस्टर आता है ट्रेलर के बाद और जिसमें क्रेडिट लाइंस दी हुई हैं, तमाम सारे लोगों का जिक्र है जिसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सहयोगियों का, उस पोस्टर को शेयर किया और साथ ही लिखा कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, हैरान हूँ, इस फिल्म में मैंने कोई गाना नहीं लिखा, फिर भी क्रेडिट लाइन में मेरा नाम दिया गया है। इसके बाद लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू की और ट्विटर पर जावेद अख्तर साहब को भी ट्रोल किया कि क्या आप अकेले ही हैं जिनका नाम जावेद अख्तर है, ऐसे और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अच्छा किया आपने बता दिया, और यदि आपका नाम इसमें नहीं है तो आप जाकर लड़ाई लड़िए, केस कीजिए, यहाँ ट्विटर पर आप क्यों हैं, इस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों ने दी। लेकिन बहरहाल बात और मुद्दा यही है कि जावेद अख्तर का नाम फिल्म में दिया गया है जबकि इस फिल्म में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद थोड़ी ही देर के बाद एक ट्वीट और आता है और गीतकार समीर ने भी इसी बात को फिर से दोहराया है। गीतकार समीर का नाम भी फिल्म की उस क्रेडिट लाइन में है, लेकिन समीर का कहना है कि मैंने फिल्म में कोई गाना नहीं लिखा है, बावजूद इसके मेरा नाम भी इस लिस्ट में या इस जगह पर दिया गया है, जबकि मैं फिल्म का कोई पार्ट या हिस्सा हूं ही नहीं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिल्म जिस तरह से लगातार विवादों में है, अब एक और विवाद इस फिल्म से जुड़ गया है। कहते हैं कि जहां भी प्रधानमंत्री का नाम आता है वहां विवाद अपने आप शुरू हो जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो लोग फिल्म का हिस्सा नहीं है, यदि उन्हें भी फिल्म का हिस्सा बताया जाएगा तो विवाद होना लाजमी है। अब इस विवाद के पीछे की सच्चाई क्या है, तो आने वाले दिनों में फिर खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेगी, हम आप तक खबरों के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब तक की खबर ये थी कि जिन लोगों ने फिल्म में कोई भूमिका नहीं निभाई, कोई गीत नहीं लिखे, उनका नाम भी फिल्म की इस लिस्ट में डाल दिया गया है। बहरहाल टैलेंटेड इंडिया की इस खबर को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देखने वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं वे हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ यदि आपके कुछ विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर उन विचारों को हमसे साझा कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी कोई खबर, हमारी कोई पेशकश अच्छी लगती है तो उसे ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक, अपने चाहने वालों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। इस पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया।